हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से दो इम्पोर्टेंट स्टेप है जो आपको बहुत जरूरी है जानना फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। तो आइए तो उन दो स्टेप्स को जानते हैं। पहला स्टेप, नोइंग हाउ मच मनी यू नीड टू बिकम फाइनेंशियली फ्री। जी हाँ, आपको क्या लगता है कि आपको कितने पैसे चाहिए जो आपको फाइनेंशियली फ्री कर देगा? 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़? आपने जो भी गेस किया होगा ना, गलत होगा। आपका कितना पैसा चाहिए आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, वो डिपेंड करता है आपके महीने का खर्चा कितना है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, आपके महीने का खर्चा। आपके महीने का खर्चा जितना होगा, सपोज कि आपके महीने का खर्चा 50,000 रुपए है, तो आपको उस 50,000 रुपए को एनुअली कितना होगा, 6 लाख रुपए। उन 6 लाख रुपए को आपको डिवाइड करने होगा 4% से। तो पता है आपका पैसा कितना निकलेगा? आपको कितने पैसे चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए? 1 करोड़ 50 लाख रुपए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 1 करोड़ 50 लाख रुपए आपको चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। अब ये कैलकुलेशन कैसे बनता है, क्या होता है, इसका क्या मतलब है, ये हम इस वीडियो में नहीं जानेंगे। इस वीडियो में बस मैंने आपको सिंपली समझाया कि आपको कितने पैसे चाहिए। इस सेक्शन को हम अच्छे से जानेंगे अपने इन्वेस्टमेंट वाले वीडियो में। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, वो है बजटिंग। जब आपको पता चल जाए कि आपको कितना पैसा चाहिए आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, तब आपको बजटिंग में ध्यान देना होगा। आप कहाँ खर्च करते हैं, कितने खर्च करते हैं, वो मैटर करता है। कितना अननेसेसरी खर्च करते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए और उसे सही जगह पे लगा पाए, सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाए, ताकि वो पैसे आपको और पैसे बना के दे सके। जैसे कि अगर आपका खर्चा समझिए 25,000 रुपए है, ठीक है, तो उस 25,000 रुपए में आपके घंटे में आप 40 रुपए कमा रहे हो। तो अगर भी आप कुछ भी खरीदने जाओ मार्केट में या कहीं पे भी, तो ये डिसाइड कर लो कि जब भी आप 40 रुपए कोई चीज खरीद रहे हो, तो आप अपने 1 घंटे को ट्रेड कर रहे हो उस सामान के लिए। तो क्या वो सामान इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए आप अपना 1 घंटा खर्च करो? ये अपने दिमाग में घुसा लो कि वो पैसा नहीं है, वो आपका घंटा है, वो आपका टाइम है, और टाइम मैटर करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कंजड़ बन जाओ और अपने पैसे को ही सिर्फ बचाने लगो। जिस चीज में आपको प्लेजर मिलता है, जो चीज आपको सही में हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, वो चीज आप खरीदो, लेकिन अननेसेसरी खर्चे मत करो। जो भी खरीदने जा रहे हो आप, पहले तो वो वाला टेक्निक आजमाओ, 1 घंटे को आप अपना ट्रेड करो, और दूसरा, क्या ये जो चीज मैं खरीद रहा हूँ, क्या 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद वही मुझे मतलब हैप्पीनेस मिलेगा, इससे वही खुशी मुझे मिलेगी? अगर नहीं, तो मैं इसे नहीं खरीदूंगा। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही था। मैं होप करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को बजा के बिल्कुल जाना। मुझे खुशी हुई कि आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहे। तो थैंक यू सो मच, टाटा एंड सी या सून, टाटा।